उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा चुराएगा। आप सब अपना अपना रिमोट वहां डाल देना अंडर बियर में, एकदम डीप में डालना ताकि कौनो चुरा न ले ससुरा। हाँ, रणबीर कपूर के अलावा कौन आएगा फिल्म में? क्या पीके बनेगी ड्रग माफिया के ऊपर? सभी जानते हैं कि आमिर खान स्टार फिल्म पीके ने किस कदर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। आमिर को बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब आमिर खान की फिल्म पीके पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद और बाबा रामदेव ने इस फिल्म को लेकर नाराजगी भी जताई थी। हालांकि कईयों के नाराजगी के बावजूद भी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी कमाए। अब जब से पीके अगेन की अनाउंसमेंट हुई है, तब से जनता ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर इस बार क्या होगा इंटरेस्टिंग फिल्म के कंटेंट में। जहां पहले पार्ट में धर्म को लेकर मुद्दा बनाया गया था, अब इस बार किस मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे आमिर? दोस्तों, आपको याद दिला दें कि पीके फिल्म में अनुष्का और SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि फिल्म में ड्रग वेज यूथ का टॉपिक हाईलाइट करने का इरादा है। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म OMG जो 2012 में रिलीज हुई थी, उसके सेकंड सीक्वल के आने की खबर पक्की हो गई है, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। आप लोग सोचते होंगे कि ये पीके फिल्म से डायरेक्ट OMG के सीक्वल पर क्यों आ गई, तो आपको यह बात याद दिला दें कि खबर चली थी कि पीके का कॉन्टेंट एडुकेशन वेज यूथ से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्षय की आने वाली फिल्म OMG 2 इसी टॉपिक पर बनाई जा रही है। वही पीके अगेन में ड्रग केसेस से रिलेटेड और कैसे होती है डीलिंग, साथ ही कैसे बनते हैं लोग इसका शिकार, ये सब जानने को मिलेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिल्म पीके के शूट के दौरान आमिर खान ने 100 से ज़्यादा पान खाए थे ताकि उनके लिप्स पर वो लाल रंग नेचुरली दिख सके। साथ ही भोजपुरी में बोलने के लिए उन्होंने स्पेशली भोजपुरी टीवी स्क्रिप्ट राइटर शांति भूषण से भोजपुरी क्लासेस ली थी। पीके 2 में जहां एक तरफ रणबीर कपूर को लेने की बात हुई, वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह को भी रोल देने की बात चल रही है। वहीं आम जनता को जब पीके अगेन की खबर मिली, तो आमिर और रणबीर दोनों को ही निशाना पर बनाकर ट्रोलिंग की गई। जनता द्वारा काफ़ी सवाल जवाब भी उठाए गए। रणबीर इस किस्म की एक्टिंग अपने फिल्म बर्फी में भी कर चुके हैं और दर्शकों से भी रणबीर को लेकर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। पीके अगेन की एक अनोखी कहानी और कंटेंट देखने के लिए जनता कितनी एक्साइटमेंट के साथ बाहर आ रही है सोशल मीडिया पर, ये भी कहर छाया हुआ है। सो गाइज, आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी सारे नए अपकमिंग मूवीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज़। और इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाज़त। टाटा बाय।